अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक पुडी गुरु, मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, NLT DOEC SSC BCC बैंकिंग या UPSC में जो आपके कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं का पार्ट 3 आपके लिए लेके आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने बोला सर आप हमेशा इंग्लिश में ही क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये 35 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये हिंदी में बेस्ड है। तो ये जितने भी एग्जाम है ये SSC BCC बैंक से बैंक में जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20-25, और आपके UPSC ARO या LIC AO में भी जो आपके कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वीडियो आपको बनाते रहेंगे और उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। 25 से 30 मॉक टेस्ट डेली आपको मिलेंगे, तो ये मॉक टेस्ट 3 है, तो इससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्जाम में और आपको इसकी एक्स्ट्रा कोई कोचिंग वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज आपके लिए 35 क्वेश्चन हिंदी में लेके आए हैं 20 सोल्यूशन के साथ। तो कुछ इस प्रकार से हैं क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी हम लोग एक बाई एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन आपको दिखती है वहाँ पर उसको क्लिक कर लें, जिससे कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो अगर इसको जूम करेंगे तो ये पिक्सल फटेगा, तो आप लोग बता दीजिए क्लियर अगर ना समझ में आ रहा होगा तो मैं सारे क्वेश्चन बोल दूंगा क्लियर, जिससे कि आपको पिक्सल फटने के बाद भी कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये शुद्ध हिंदी होती है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ हमेशा कि अगर आप इंग्लिश में तैयारी करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और प्लस आपका इंग्लिश कीवर्ड आप जानेंगे कंप्यूटर से जुड़ी हुई, और प्लस आपको याद करने में भी बहुत आसानी होती है, इसलिए इंग्लिश में मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कंप्यूटर एग्जाम में बेसिकली। तो हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे हिंदी में जो आपको समझ में नहीं आएंगे उनका मतलब, तो फिर आपको को आंसर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो चलिए देख लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है, ये है आपका पूर्ण काले तथा उजले रंग में। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी शुद्ध हिंदी रहती है, भूरे रंग में रंगीन रूप में उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD होता है, तो उसमें हिंदी में आ बा सा दा लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो पहले का आपका डी हो जाएगा, मतलब सारे रंग में आपको प्रस्तुतिकरण देखने को मिलती है, पूर्ण काले तथा उजले रंग में, भूरे रंग में, रंगीन रूप में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी टेक्स्ट में के स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य है। स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य है टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचना, किसी टेक्स्ट के स्ट्राइक का पूछ रहा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकंड का सी हो जाएगा यानी कि सा। नंबर 3 है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, तो वेबसाइट का मेन पेज जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा होम पेज, जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका मुख्य पृष्ठ आपका होम पेज कहलाता है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, CD DVD तथा पेन ड्राइव उदाहरण है। CD DVD और पेन ड्राइव आपके जो क्या होते हैं, तो उदाहरण है आपका संधारक स्टोरेज युक्ति, यानी कि आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसमें आप डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं, तो CD DVD तथा पेन ड्राइव आपके संधारक स्टोरेज डिवाइस हैं, तो चौथे का बी। 5 नंबर देखते हैं, दशमलव संख्या का आधार है, दशमलव संख्या का आधार है यानी कि यहाँ पे आपका बाइनरी संख्या पूछ रहा है, तो दशमलव का आपका होता है 10, बेस इसका 10 होता है, तो 5 का हो जाएगा सी। विंडोज़ 6 नंबर देखते हैं, विंडोज़ में किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु दबाया जाता है, तो विंडोज़ में किसी फाइल को मिटाने के लिए किसी फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए दबाया जाता है, आपका आंसर इसमें 2 ऑप्शन बनना है, शिफ्ट डिलीट और इंटर। शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका पर्टिकुलर आपका जो टॉप डिलीट करने का फोल्डर होगा वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, और दूसरा ऑप्शन इसमें शो कर रहा है
सा यानी कि शिफ्ट डिलीट और स्पेस बार, तो इससे आप डिलीट कर सकते हैं। तो विंडोज़ में किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए आप शिफ्ट डिलीट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं, ये आप लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं आप। तो 7 नंबर देखते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल पर रिटर्न का प्रयोग किया जाता है पेज ब्रेक करने के लिए। जब आप पेज ब्रेक करेंगे तो कंट्रोल पर रिटर्न की आप प्रेस करेंगे, आपके सीपीयू में होती है, कीबोर्ड में होती है सॉरी। तो आप इसको 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी, तो 7 का आपका हो जाएगा सी पेज ब्रेक हेतु। 8 नंबर देखते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु किस संक्षिप्त कीज का उपयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको पता है कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करते हैं, तो 8वें का आपका ए हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, स्क्रीन सेवर है, स्क्रीन सेवर जो आप लोग लगाते हैं डेस्कटॉप पे या मोबाइल में भी आप लोग स्क्रीन सेवर यूज़ करते होंगे, चलता हुआ रहता है, तो वो क्या है। यहाँ पे एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, ट्रोजन हैकर्स का प्रोग्राम प्रकार है, या एक ऑपरेटिंग प्रणाली, तो इसमें से आपका कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर देखते हैं, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट आपका लैंडस्केप क्या है। जब आप लोग देखते होंगे प्रिंट करते होंगे कोई चीज़ तो उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन आता है, तो ये आपका क्या है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए स्लाइड अभिमुखीकरण। स्लाइड अभिमुखीकरण है आपका, जो स्लाइड होती है उसी को पोर्टलैंड, जैसे कि ये आपका लैंडस्केप होगा, ये आपका पोर्टलैंड हो गया, तो 10th का ए हो जाएगा। 11 देखते हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में आपका आंसर हो जाएगा एक स्लाइड अवश्य होना चाहिए। पावर पॉइंट अगर आप प्रस्तुतिकरण में एक स्लाइड आपका अवश्य होना चाहिए, 11 का ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 12 नंबर है आपका, MP4 है, MP4 क्या है आपका, वीडियो फॉर्मेट है आपका, टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं है, ऑडियो फॉर्मेट नहीं है, वीडियो फॉर्मेट है आपका, तो इसका 12th का हो जाएगा सी। 13 नंबर देखते हैं, निम्न में से सर्च इंजन है, सर्च इंजन इसमें से कौन सा है, गूगल सर्च इंजन है आपका, बिंग आपका सर्च इंजन है, और VMOU.ac.in ये आपकी वेबसाइट है, तो ये सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए और बी दोनों। 14 नंबर देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर फायरफॉक्स एवं क्रोम है, तो आप लोग जानते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स और क्रोम आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, एंटीवायरस भी नहीं है, डेटाबेस भी नहीं है, तो आपके वेब ब्राउज़र हैं, तो 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, एमएस एक्सेल में चाइनीज सेल का छनन कुंजी द्वारा किया जाता है, तो देखते हैं यहाँ पे शुद्ध हिंदी छनन वगैरह आपको दे देगा तो आप लोगों को समझ ही नहीं पाएंगे क्या, इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश में अगर आप दोनों चीज़ पढ़ते हैं तो आपको बेस्ट रहता है, हिंदी और इंग्लिश अगर आप दोनों लेके चलेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, तो 15 का आपका हो जाएगा डी, कंट्रोल शिफ्ट और एल, एमएस एक्सेल में चयनित सेल का छनन कुंजी द्वारा, मतलब किस बटन द्वारा किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एल, 15 का डी। 16 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर कुंजी पटल में फंक्शन कुंजी होती है, फंक्शन की आपकी क्या होती है, फंक्शन कुंजी होती है बी, यानी कि फंक्शन की आपकी 12 होती है, तो पूछ रहा है कंप्यूटर कुंजी में फंक्शन की होती है जो F1 F2 F3, तो कितनी होती हैं, तो इनकी संख्या होती है 12, तो 16 का हो जाएगा बी। 17 है, URL का विस्तारी रूप है, यानी कि URL का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर URL, तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, फिर 17 का बी। 18 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी कौन सी, बाइट है, बिट है, किलो बाइट है, मेगा बाइट या गीगा बाइट है, तो सबसे बड़ी आपकी गीगा बाइट होती है, यानी GB गीगा बाइट, तो 18 का डी हो जाएगा। 19 है, MS वर्ड में वाटर मार्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वाटर मार्क जो हम लोग लगाते हैं इसके पीछे, तो वो किस लिए लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी भी पृष्ठ के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट को डालने के लिए, घोस्टेड टेक्स्ट को डालने के लिए, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है किसी भी पृष्ठ के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट को डालने के लिए, यानी कि ये देखते हैं दस्तावेज में प्रतीक सम्मिलित होने के लिए या टेक्स्ट में रेखांकित करने के लिए उपयोग में से कोई नहीं, तो 19 का सी हो जाएगा आपका। 20 नंबर देखते हैं, एक सिस्टम की स्मृति में मापी जाती है MB GB और TB में, क्वर्टी में पाया जाता है, यानी क्वर्टी कीबोर्ड जो होता है उसमें पाया जाता है, कीबोर्ड क्वर्टी आपका क्या होता है, कीबोर्ड होता है, क्लिप आर्ट नहीं होता है, स्क्रीन लेआउट माउस बटन नहीं होता है, क्वर्टी आपका कीबोर्ड होता है जो अल्फ़ाबेट होता है वही। 22 का MP3 आपका है, ऑडियो वीडियो इंटरनेट
उपयुक्त सभी, तो ऑडियो फाइल है आपकी MP3, यहाँ पे मिस हो गया, पी मिस हो गया, M3 लिख गया है, तो यहाँ पे MP3 कर लें, MP3 से संबंधित है ऑडियो। 23, वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Shift+F5, तो 23 का ए। 24 देखते हैं, शुरू से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, मतलब शुरू मतलब कहीं आप स्लाइड देखते थे बीच में पहुंच गए हैं, तो आपको शुरू से फिर से करनी है, तो F5 आप प्रेस कर देंगे, तो शुरू से स्लाइड को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की है F5। 25, नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोटोकॉल। 25 का डी। 26, MS एक्सेल में फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, MS एक्सेल में कोई फंक्शन जोड़ना चाहते हैं तो Shift+F3, तो 26 का ए। 27 देखते हैं, MS पावर पॉइंट में 2 या 10 सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वर्ड आर्ट। कोई आपको डिजाइन वगैरह डालनी है, सजावटी मतलब आपको करना है, डिजाइन वगैरह डालने के लिए पार्ट आपका यूज, तो वर्ड आर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। 27 का बी। 28 है, एरियल है, एरियल आपका क्या है, फॉन्ट होता है, एरियल जब आप लोग देखेंगे फॉन्ट में तो एरियल आपको ऑप्शन दिखेगा, तो ये आपका एरियल आपका फॉन्ट है, यहाँ पे वो एरियल नहीं है जो आपको जब वेतन के साथ आपको मिलता है, वो वाला एरियल नहीं है, तो 28 का बी। 29, बार कोड रीडर है, बार कोड रीडर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या प्रिंटिंग डिवाइस है, उपयुक्त सभी, तो बार कोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस है। 30 का, फाइल तथा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन कुंजी है, पुनः आपको बनाने की यानी कि नामांकित यानी कि रीनेम, तो F2 आप जब दबाएंगे तो आपका रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इसको फाइल का नाम। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा यानी HTML का प्रयोग किया जाता है वेब निर्माण में, यानी कि वेब डिजाइनिंग में HTML कोड का उपयोग किया जाता है, प्रिंटिंग हेतु नहीं किया जाता, कॉल करने हेतु नहीं किया जाता, तो वेब निर्माण हेतु HTML का उपयोग किया जाता है। 32, विंडोज़ में एक चलते हुए प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब जब कोई प्रोग्राम आपका चल रहा है विंडो में, दूसरे कुंजी पर अगर आपको जाना है, दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए आपको Alt+Tab दबाएंगे, जिस प्रकार से देखते हैं, Alt+Tab दबाएंगे तो इस तरह देखिए कुंजी आपको दिखाई देंगी, तो इस प्रकार से आप कुंजी पर जा सकते हैं। 33 है, एंटीवायरस क्या है, ऑपरेटिंग प्रणाली है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, उपयोग में से कोई नहीं, तो उपयोग में से कोई नहीं, एंटीवायरस आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। 34, MS वर्ड में का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार बार अलग अलग प्राप्तकर्ता को प्रत्येक कॉपी को भेजने के लिए करते हैं, तो मेल मर्ज का यूज़ हम लोग करते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु निम्न संक्षिप्त कीज यानी कि कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो हाइपरलिंक लगाने के लिए किसी भी टेक्स्ट में या URL में, तो कंट्रोल के कुंजी यूज़ करते हैं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे अंडरस्कोर बन गया है, यहाँ प्लस होगा, Ctrl+K, तो ये दबाव दबाएँ तो हाइपर टेक्स्ट आप लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको ये 35 क्वेश्चन जो मैंने लिए आपको समझ में आ गए होंगे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है CCC और इसी प्रकार के जो बेसिक स्तर के एग्जाम होते हैं इनमें आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैंने 35 क्वेश्चन लिए हैं, तो उसी तरह से क्वेश्चन की संख्या बढ़ती रहेगी, 35 कहीं 50 कहीं 35 कहीं 50, तो इससे इस तरह से ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट था, इससे पहले 2 मॉक टेस्ट और किए जा चुके हैं, तो आप सारे मॉक टेस्ट देखते रहें तो आपके पास क्वेश्चनों का भंडार हो जाएगा, तो आपको कोई भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार बस वीडियो खोल के बस आप एक हाईलाइट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक की बात करेंगे।